हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनेश किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एनर्जी से भरपूर अंकुरित मसालेदार चना ब्रेकफास्ट रेसिपी। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये 200 ग्राम काले चने हैं जिन्हें मैंने रात को पानी में भिगो रखा था, तो अब इन्हें साफ पानी से धो लेते हैं और इनका पानी निकाल देंगे। यहाँ हम अंकुरित चना रेसिपी बना रहे हैं, तो चलिए चनों को अंकुरित कर लेते हैं। चनों को अंकुरित करने के लिए वीडियो में बताए अनुसार कॉटन के साफ कपड़े में चनों को रखेंगे और उसकी पोटली बना लेंगे और इसे एक से डेढ़ दिन के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, बीच में आप इन्हें खोलकर चेक कर लें और इसमें अगर कोई ख़राब चना हो तो उसे निकाल दें और पोटली पर पानी के छींटे डालकर फिर से रख दें। पोटली को रखे हुए डेढ़ दिन हो चुका है, अब इसे खोलेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे चने कितने अच्छे अंकुरित हुए हैं। फ्रेंड्स, अंकुरित चनों को हमारे यहाँ बिलुआ के नाम से जाना जाता है। आप इन्हें किस नाम से जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब चनों को साफ पानी से धो लेंगे और इसमें जो भी ख़राब चना होगा उसे निकाल देंगे। यहाँ मैंने चनों को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। चने फ्राई करने के लिए गैस पर कुकर चढ़ाएंगे और उसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, सरसों के तेल में चने बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। आप चाहें तो कोई दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं। तेल गर्म होने पर 1/2 चम्मच जीरा डालकर चटकाएंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च और अंकुरित चना डालकर मिलाएंगे। अब 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच नमक डालकर मिलाएंगे। अब चनों में 1 गिलास पानी डालकर मिलाएंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ इन्हें सीधे फ्राई कर रहे हैं इसलिए हम पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ उतना ही पानी डालेंगे जितने में चने डूब जाए या फिर आप चनों के बराबर पानी डालें। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 3 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और चनों को स्लो फ्लेम पर 3 मिनट और पकाएंगे। यहाँ 3 मिनट हो गए हैं तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। यहाँ ढक्कन खोलकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, यानी कि हमने जो पानी डाला था वो बिल्कुल सही था। अब 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालकर मिलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस तरह चने फ्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा पानी रह जाए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप गैस का फ्लेम ऑन करें और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे जला लें। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ चने कितने अच्छे और स्वादिष्ट बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए इन मसालेदार चनों को निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। अब कटे हुए हरे धनिया, प्याज, टमाटर से गार्निश करेंगे और नींबू निचोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।